तो आइए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन मॉनसून। इंडियन क्लाइमेट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंडियन क्लाइमेट क्या है। ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन मॉनसून और इंडियन क्लाइमेट, इसको मैं कम से कम 4 या 5 वीडियो में खत्म करूंगा। 4 या 5 वीडियो में इसको अप्रोक्सीमेट 5 या 6 वीडियो तो लगे जाएंगे, क्योंकि हमको बेसिक समझना है, ठीक है, डीप तक जाना है, ना कि ऊपर ऊपर समझ के थोड़ा बहुत इधर हो गया उधर हो गया। हमको एक वे में समझना है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लाइमेट में चल क्या रहा है और होता क्या है, ये हम पूरी तरह से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन मॉनसून हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को आज से, इसके बाद आपको लेक्चर मिलते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून पढ़ने से पहले हम 2 चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर क्या होता है, क्योंकि क्लाइमेट और वेदर में हर कोई कंफ्यूज होता है कि क्लाइमेट क्या होता है वेदर क्या होता है। किसी को भी क्लाइमेट बोल देते हैं और किसी को भी वेदर बोल देते हैं। तो क्लाइमेट और वेदर में फर्क क्या है? क्लाइमेट जो होता है, ठीक है, क्लाइमेट पीरियड ऑफ मैनी ईयर तक होता है। पीरियड ऑफ मैनी ईयर मतलब बहुत सालों तक होता है क्लाइमेट। जैसे कि राजस्थान, राजस्थान में गर्मी हमेशा 45-50, ठीक है, इस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, ठीक है। रात में वहां बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये क्लाइमेट आज का नहीं है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है, ठीक है, 50-60-100 सालों से चला आ रहा है, उसी तरह का क्लाइमेट वहां पे पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी हमेशा बर्फ गिरती है, ठंडी के मौसम में वहां पे बर्फ गिरती है, ठीक है, वहां पे हमेशा बर्फ घिरा रहता है। तो वो क्लाइमेट क्या है? हमेशा वहां पे बर्फ होता है। तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है वहां पे, अगर हम गए वहां पे बर्फ है तो ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं कि यहाँ पे बर्फ गिरा हुआ है। मुंबई में बर्फ गिरे तो सोचने वाली बात है, मुंबई में पूरी तरह से बर्फ गिर जाए तो ये बात होती है सोचने की। तो क्लाइमेट हमारा क्या है? सेम है, ठीक है, मतलब क्लाइमेट हमारा अगर एज इट इज चले आ रहा है तो उसको बोले क्लाइमेट। बहुत सालों से उस तरह का क्लाइमेट वहां पे है। राजस्थान का क्लाइमेट हमेशा हीट है, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्लाइमेट क्या है वहां पे, ठीक है, इस तरह से। अगर वेदर की बात करता हूं तो वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है वेदर। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब वेदर को हम नहीं बोल सकते कि वो 100 सालों से, ठीक है, हम उसको 1 महीने, 1 दिन, 2 दिन, ठीक है, 3 दिन। जैसे कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, तो आज का वेदर अच्छा है मतलब आज ना ठंडी लग रही है ना गर्मी, अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो वेदर चेंज हो रहा है। वेदर को हम ऐसे नहीं बोल सकते 100 साल, तो वेदर अलग अलग होते हैं, मतलब कभी टेम्परेचर 60 हो गया, कभी 40 हो गया और नीचे चलेगा। रात का वेदर अलग होता है, डे का वेदर अलग होता है, तो इसको वेदर से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो वेदर पीरियड ऑफ टाइम, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। क्लाइमेट को ध्यान रखिए, क्लाइमेट मतलब मैनी ईयर ऑफ, पीरियड ऑफ मैनी ईयर, बहुत सालों तक। तो क्लाइमेट अगर मैं कभी बोला तो आप समझ जाना कि वहां की क्लाइमेट की बात हो रही है, जो कि कंटिन्यू वहां पे चले जा रही है, ठीक है। आगे चल के कभी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं तो वही वर्ड इंडिकेट करके बोला जाता है। वेदर मौसम, वेदर को मौसम बोला जाता है। आज का मौसम अच्छा है, ठीक है, आज का मौसम कितना अच्छा है, तो ऐसा बोलते हैं। तो उसमें किसकी बात की जाती है? वेदर की बात की जाती है। क्लाइमेट जलवायु होता है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आज का जलवायु कितना अच्छा है, ठीक है, आज का मौसम कितना अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये दोनों बात उसी के लिए है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये मैंने मैप बना दिया है, पहले हम समझ लेते हैं कि हम मैंने इसमें बनाया क्या है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इंट्रोडक्शन मतलब हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद हम इसमें से एक एक करके बात करेंगे कि नॉर्थ साउथ की कौन सी, नॉर्थ ईस्ट की कौन सी हवाएं होती है, फिर ठीक है साउथ वेस्ट का क्या होता है, वेस्ट नॉर्थ क्या होता है, ठीक है, ईस्ट ऑफ यहाँ पे ईस्ट आएगा, ठीक है, ये ईस्ट है, हाँ नॉर्थ ईस्ट, और फिर ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। अब ये डायरेक्शन कैसे लिखा? ये डायरेक्शन देखो, आपको 4 डायरेक्शन पता है, 4 डायरेक्शन, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे वेस्ट है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इन दोनों बीच के भाग को, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? उन दोनों को मिला के बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा तो आप बोलोगे सर आप ईस्ट में हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप बोलोगे साउथ में हो, बट अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो आप कौन सा डायरेक्शन बोलोगे? उन दोनों के बीच का डायरेक्शन बोलोगे ना, सीधी सी बात है। तो मैं उन दोनों के बीच में हूं तो मतलब ईस्ट एंड साउथ के, मतलब ईस्ट और साउथ, ऐसा। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ये क्या है, ये हवाएं क्या करती हैं, ये हवाएं क्या करती हैं, ये हवाएं क्या करती हैं, ठीक है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये मैंने मैप बना दिया इंडिया का, मैंने 3 हिमालय बना दिए हैं। हिमालय में आप ज्यादा डिटेल कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हिमालय मैंने पढ़ा चुका है। तो हिमालय ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, ये हिमालय, और ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे है ना, इक्वेटर
इक्वेटर हमारा कहाँ पे, जीरो डिग्री पे, कर्क रेखा हमारे 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, कर्क रेखा। अर्थ पे मैंने आपको, मैं जब सौर मंडल सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको पूरी तरह से अर्थ के बारे में भी, ठीक है। मैं इसलिए वो पहले नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग के पास होगी ही, ठीक है, कि जैसे कि ये मेरा अर्थ है तो यहाँ पे जीरो डिग्री है, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहेगा, ठीक है, तो 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री, 66 डिग्री पे क्या है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा, मैं सामान के चलता हूं, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेटर, ये कर्क रेखा बना दी है, ठीक है, और ये मैंने जेड स्ट्रीम बनाई हुई है। हम देखो हमारे हमारे इंडिया में हवाएं कौन कौन से डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन क्या क्या है, हमारी तरफ से विंड डायरेक्शन चार तरीके से चलते हैं। यहाँ पे देखो, एक विंड डायरेक्शन अरेबियन सी से होके आता है, हिंद महासागर, ये दोनों एक ही है, ठीक है, पूरी तरह से हवा यहाँ से होके ऐसे आती है, तो अरेबियन सी हिंद महासागर से इस तरह से आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। अब एक हवाएं होती है जो इस तरफ से आती है, ठीक है, एक हवाएं होती है जो इस तरफ से आती है नॉर्थ ईस्ट से, एक हवाएं होती है जो वेस्ट नॉर्थ से इस डायरेक्शन से आती है, एक हवाएं होती है जो इस डायरेक्शन से आती है, ठीक है। तो इंडिया क्यों इस तरह से डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ की जो हवाएं होती है वो इंडिया की तरफ आती है। क्यों आती है मैं बताता हूँ, ठीक है, इसी डायरेक्शन में क्यों नहीं आती, इस डायरेक्शन में क्यों आती, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। देखो, हवाएं जो होती है वो हमेशा हाई टू लो जाती है, ठीक है, और लो टू हाई, मतलब कैसा, देखो अभी मेरा सरफेस है, ये मेरा धरातल है जिसको मैं बोलता हूँ सरफेस, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, तो इस सरफेस पे क्या होता है, एक पॉइंट पहले आप याद रखिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, कि समुंदर जो होता है, ओशन जो होता है, वो लैंड के अगर सरफेस, ये जो मेरा लैंड है, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में और ठंडा होने में, ठीक है। हमारा जो भूमि है, जो हमारा सरफेस है, ये क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, बट हमारा जो ओशन होता है वो बहुत टाइम लेता है ठंडे होने में, बहुत टाइम लेता है गर्म होने में। सीधी सी बात है, इतना सारा पानी है, एक साथ थोड़ी गर्म होगा, और गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा थोड़ी होगा, बट हमारा लैंड क्या है, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। आप देखे रहोगे कि जब सुबह दोपहर में जो धूप होती है उसमें जो धरती होती है, जो धरातल होता है, जो सरफेस होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, बट जैसे 4-5-6 बजते वैसे वो ठंडा हो जाता है, बट ओशन का वो काम नहीं होता है, ओशन हमारा उसमें भी हीट प्रोवाइड करता है। तो ये बात हो गई किसकी, ये आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि इस तरह से ये बात चलती है, कि ये धरातल क्या होता है, जल्दी ओशन जो होता है वो ज्यादा टाइम लगाता है भूमि से गर्म होने में और ठंडा होने में, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, अब ये बात आपको याद रखना, हाँ, तो हम यहाँ पे थे, तो ये काम क्या होता है यहाँ पे, तो अगर हीट, अगर ये भाग जो है मेरा अर्थ का, अगर यहाँ पे ज्यादा, इक्वेटर पे आपको पता है इक्वेटर पे 2400 घंटे क्या होती है, सूर्य के किरणें जो होती है डायरेक्ट पड़ती है, इक्वेटर ही एक ऐसा भाग है 0 डिग्री, जहां पे 24 घंटे में एक दो बार वर्षा होती ही है, हर साल वर्षा होती है, हर दिन वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि ये जो भाग होता है वो डायरेक्ट सूर्य के किरणों के सामने होती है, और यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो धरातल की हवाएं होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म होकर किस तरफ डायरेक्शन उठती है, ऊपर की तरफ, कोई भी चीज गर्म होगी, हवा तो ऊपर जाएगी गर्म होके, क्योंकि वो उसको ऊपर की तरफ खींचता है, और जो ऊपर की तरफ हाई प्रेशर होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं ऐसे, ठीक है, हवाएं गर्म हुई ऊपर की तरफ गई, हवाएं ठंडी हो गई, अब जब यहाँ पे जगह स्पेस खाली हुआ तो इस स्पेस को भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ना, तो जब ये ऊपर की तरफ गया तो इस स्पेस को भरने के लिए ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आई, ठीक है, इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है, गर्म हवाएं ऊपर गई, ऊपर ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद वो साइकिल में इस तरह से घूमते रहती है, तो यहाँ पे वही होता है, तो जब ये हवाएं गर्म होती है, ये हवाएं बहुत ज्यादा गर्म होती है तो ऊपर जाती है, तो उसी समय ये हवाएं अंदर की तरफ एंट्री मारती है, इसलिए ये हवाएं इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, आपने ये मैप देखा होगा, ये इक्वेटर होता है, विंड डायरेक्शन इस तरफ पे होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आपने अगर कंसेप्ट समझा, ये क्यों इस डायरेक्शन में जा रही है 0 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ आती है तो 0 डिग्री की तरफ वो हवाएं मुड़ जाती है, ठीक है, इस तरफ आती है, फिर से वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है और ये हवा वापस वहीं पे पहुंचती है, फिर यहाँ पे आती है, तो ये साइकिल
चलते रहता है। इसी तरह से मैं विंड डायरेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं वहां पे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम मॉनसून पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ गया रहेगा, ज्यादा समझ की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसके ऊपर अलग से लेक्चर लूंगा। अभी हम मॉनसून पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इन चार डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे, आपको ये दोनों मैंने बता दिया, तो आप इंडियन मॉनसून, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंडियन मॉनसून। चलिए इंडियन मॉनसून स्टार्ट करता हूँ। तो इंडियन मॉनसून दो टाइप्स के होते हैं। मॉनसून का मतलब होता है कि विंड डायरेक्शन चेंज होना, मतलब हवा, जो हवाओं की, हवाओं का डायरेक्शन होता है वो चेंज होना, ठीक है, उसको मॉनसून बोलते हैं। जैसे बारिश होती है, ठीक है, तो मॉनसून उसको बोला जाता है। तो इंडिया में दो टाइप्स के मॉनसून होते हैं। पहला नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी कहां पे है? ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो इस तरह से, ठीक है। दूसरी साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण पश्चिम किधर है? दक्षिण ये, पश्चिम ये, इस तरह से। दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, इस तरह से, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, उत्तर ये पूर्वी है और ये उत्तर है, ठीक है। तो इन दो तरीके से क्या होता है, इंडियन मॉनसून होता है। देयर आर टू रीजन इन इंडिया, दो टाइप्स के रीजन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक समर रीजन है, एक विंटर। दो सीजन में वर्षा होती है। दो सीजन में क्या होता है, रेनफॉल होता है। पहला है समर सीजन और दूसरा है विंटर सीजन। जो समर सीजन होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक। सितंबर में मतलब मैंने डेट यहाँ पे है, एग्जैक्ट डेट है, बट कैसा होता है कि अभी मैंने 15 लिख दिया तो 16 को बारिश हो गई, तो आप बोलोगे सर 15 तक ही हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। वो 16, 17, 18 कभी कभी सितंबर भी क्रॉस कर लेता है, तो उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट 1 जून ऐसा अप्रोक्सीमेट बोला जा सकता है कि इस दिन हो जाती है वर्षा, ऐसा, ठीक है। अगर हमारा क्लाइमेट, हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, अभी तो एनवायरमेंट खराब हो रहा है, बट एनवायरमेंट अगर बेटर है तो 1 जून को बारिश होनी ही है। कहां पे? केरल के कोरोमंडल पे, ठीक है, यहाँ पे केरल के मालाबार तट, सॉरी मालाबार तट पे 1 जून को ये जो हवाएं होती है पहुंच जाती है। ध्यान से सुनिए, 1 जून को यहाँ पे हवाएं पहुंच जाती है। आपको पता होगा मुंबई में 7 जून को बारिश हो जाती है, ठीक है, 7-8 जून को बारिश होती है, तो 1 जून को यहाँ पे पहुंचती है और फिर 22 जुलाई तक दिल्ली तक ये हवाएं पहुंच जाती है। दिल्ली 22 जुलाई तक वो अप्रोक्सीमेट कहां तक पहुंच जाती है, दिल्ली तक टच कर लेती है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, मॉनसून की, ठीक है। मॉनसून दो टाइप के होते हैं, समर सीजन में, विंटर सीजन में। बारिश समर में भी होता है और विंटर में भी होता है। आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे तो बारिश का एक सीजन होगा, ठीक है, बट यहाँ पे समर सीजन में बारिश होती है पूरे इंडिया में और विंटर सीजन में भी बारिश होती है। तो समर सीजन में कब होता है, 1 जून से सितंबर तक और 20 दिसंबर से मार्च तक, ठीक है, विंटर सीजन। ठीक, अब हम पहले पढ़ लेते हैं विंटर सीजन। आप लिखिए विंटर सीजन, मॉनसून, हाँ विंटर सीजन लिखिए। तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो होती हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं ये यहां से अरब सागर, हिंद महासागर से आती हैं, तो इन हवाओं के अंदर बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये वर्षा यहाँ पे गर्मी के समय वर्षा करती है, गर्मी के समय, ठीक है। समर सीजन में क्या करती है, बारिश करती है, ठीक है। ये क्या करती है, गर्मी के समय क्या करती है, बारिश करती है, मतलब जैसे गर्मी बीतती है, गर्मी जाने के बाद यहाँ पे वो अपना काम शुरू कर देती है, ठीक है। तो गर्मी के सीजन में यहाँ पे बारिश वो करती है, ठीक है, ये जो हवाएं होती है। हाँ, और एक चीज क्या, यहाँ पे ये बहुत टाइम तक जाती है हवाएं, ठीक है, यहाँ से फिर टकराने के बाद रिटर्न भी आती है, उसको हम लौटता मानसून के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मानसून को एंट्री करा रहे हैं, तो लौटता मानसून हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको एंट्री करा लेते हैं कि बारिश कब और कैसे होती है। तो दक्षिण पश्चिमी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही से इंडिया में पूरे प्रायद्वीपीय भाग और इंडिया का ये भाग, यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। ये जो भाग है, ये हमारा जो हिमालय है, ये हिमालय ही क्लाइमेट को डिवाइड करता है, इन हवाओं को डायरेक्शन को चेंज करता है, हवाओं को डिवाइड करता है, मतलब हमारा क्लाइमेट चेंज करता है। इस साइड पे अगर हिमालय के इस भाग में मैं देखूंगा तो ट्रॉपिकल जोन पाया जाता है, ट्रॉपिकल जोन पाया जाता है मतलब, और इस साइड पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ये हमारा भारत जो है इस साइड पे उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा हमको डिवाइड नहीं करता है क्लाइमेट में, हमारा माउंटेन हमको डिवाइड करता है, ये हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। और
ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। शीतोष्ण मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ पाया जाता है, ठीक है। इस भाग में हमेशा बर्फ पाया जाता है ना, ठीक है। इस भाग में हमेशा क्या पाया जाता है, बर्फ। क्यों पाया जाता है मैं बताऊंगा अगला लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, विंटर सीजन जो 20 दिसंबर से मार्च तक चलती है, ठीक है। हाँ तो ये बात हो गई किसकी, शीत ऋतु की, ठीक है। अब हाँ तो ये हो गई विंटर की, सॉरी गर्मी की। अब हम बात करते हैं सर्दी में वर्षा, ठीक है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है। शीत ऋतु में वर्षा हमारे इस डायरेक्शन से होती है, ठीक है। आप यहाँ पर जेट स्ट्रीम देख रहे हैं, जेट स्ट्रीम मतलब ठीक है, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम यहां से कहां आती है, मतलब यूरोप से होके आती है, ठीक है। भूमध्य सागर मेरिडियन सी यहाँ पे है, काला सागर है, ठीक है। तो यहां से होके जेट स्ट्रीम एंट्री मारती है कहां पे, इंडिया में, कभी शीत ऋतु में, ठीक है। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम कहां पे एंट्री मारती है, इंडिया में। इसी समय सर्दी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है। कब होता है सर्दी का मौसम, एक चीज और समझ लीजिए पहले, फिर मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करता हूं। यह हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री है, आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे कर्क रेखा है और यहाँ पे मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब हमारा सन विषुवत रेखा पे होता है, डायरेक्ट विषुवत रेखा पे पड़ता है, तब यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हीट होता है। बट जब हमारा जो सन है वो कर्क रेखा पे पड़ता है और हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, पता है आपको। तो जब हमारा सन कर्क रेखा पे पड़ता है तब यहाँ पे विंटर होता है, समर होता है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ रही है, इस तरह से डायरेक्ट पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समर होगा। एक मिनट, हाँ फिर से सुनिए जरा, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है, ठीक है। तो अभी सुनिए जरा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ऐसे रिवॉल्व करता है, आपको पता है घूमता है। तो वो जब इस डायरेक्शन में मुड़ता है और हमारा सन यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब वो मुड़ता है तो उसकी लाइन कहाँ पे पड़ रही है, कर्क रेखा पे। कर्क रेखा ऊपर है ना, तो कर्क रेखा हमारा ऊपर है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ रही है। तो इस साइड क्या होगा, विंटर होगा। और जब वो घूम के इस तरफ से इस तरफ आता है, तो अब इस तरफ आया तो अब कहाँ पड़ रहा है, नीचे की तरफ मकर रेखा पे। जब मकर रेखा पे पड़ेगा तो मकर रेखा पे क्या होगा, समर। यहाँ पे क्या होगा, विंटर। तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी, हमारे इंडिया में जब ठंडी होती है तब वो सूर्य की किरणें कहाँ होती है, मकर रेखा पे। मकर रेखा ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे सन की रेस कहाँ पड़ती है, डायरेक्ट मकर रेखा पे। तब जाके यहाँ पे हमको ठंडी महसूस होती है, ठीक है। तो अब वहीं पे पड़ते, तब उसी समय यहाँ पे ये हवाएं चलती है, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम, वेस्ट जेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न जेट। जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से होके, मेरिडियन सी से होके इंडिया में एंट्री मारती है और हिमालय के चलते वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है। हिमालय के चलते दो भाग में डिवाइड हो जाती है, एक भाग ऊपर की तरफ चले जाता है और एक भाग हमारा इस तरफ आता है। तो जब ये जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर, ब्लैक सी, उनके ऊपर से जब आता है तो इनके अंदर बहुत ज्यादा नमी हो जाती है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब ये यहाँ पे इस तरफ आती है तब वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है, एक इस साइड पे जाती है और एक इस साइड पे जाती है। तो इस साइड पे जो होता है वो यहाँ पे प्लेन भूमि है, यहाँ पे क्या है, प्लेन है ना, जैसे कि पंजाब हरियाणा दिल्ली, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा दिल्ली में बूंदों के रूप में वर्षा करती है, किस रूप में, बूंदों के रूप में वर्षा करती है। और इस भाग में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साइड पे वो बर्फ के रूप में हिमपात होता है, मतलब वहां पे बर्फ के रूप में बारिश होती है, बर्फ के रूप में, ठीक है। आपको ये पता है, ठीक है, क्या कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो 1 किलोमीटर के ऊपर पे 6.5 डिग्री 6.6, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर। तो इस साइड की जो हवाएं होती है बहुत काफी ऊपर चली जाती है, वो जेट धारा जो बहती है वो 6 से 12 किलोमीटर की दूरी पे बहती है। तो 6 से 12 किलोमीटर के ऊपर हवाएं अगर बह रही है तो सीधी सी बात है वो बर्फ के रूप में रूपांतरण हो चुकी होंगी। और जब माउंटेन से टकराती है तो किस रूप में वर्षा करती है, हिमपात के रूप में वर्षा वहां पे करती है, ठीक है। इसको भी एक अलग टॉपिक देखेंगे अच्छे से, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये बात हो गई किसकी, जेट स्ट्रीम की, ठीक है। कहां कहां पे वर्षा बूंदों के रूप में करती है, पंजाब हरियाणा और दिल्ली में ठंडी में बूंदों के रूप में वर्षा करती है।
और अगर इन हवाओं में नमी ज्यादा है, अधिकतर नमी है, तो ये हवाएं बिहार दिल्ली सॉरी यूपी और दिल्ली में बिहार में भी वर्षा करती हैं बूंदों के रूप में। अगर नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार यहाँ तक वो वर्षा करती है ठंडियों के मौसम में, अगर नमी ज्यादा हो तो, और यहाँ पे हिमपात के रूप में वर्षा करती है। ठीक है, ये हवाएं देख लेते हैं थोड़ा। नॉर्थ ईस्ट हवाएं क्या है, ईस्ट नॉर्थ हवाएं, ये कहां से आती है, चाइना से होकर आती है हवा। ठीक है, जब ये हवाएं यहाँ पे आती हैं तो ये हवाएं ठंडी में ही चलती हैं। तो ये हवाएं जब यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माउंटेन्स है बहुत ज्यादा, माउंटेन्स होने की वजह से ये ठंडी हवाएं इंडिया में नहीं आ पाती है, इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर इंडिया में ये हवाएं प्रवेश करती, अगर माउंटेन नहीं होता, तो इंडिया में हम हर जगह बर्फ जमा होता, यहाँ पे भी हर जगह पे बर्फ गिरे होते, बट ये हवा इंडिया में एंट्री नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ हिमालयस। तो हिमालयस की वजह से एंट्री नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको वहीं पे अपने बर्फों को जमाना पड़ता है, ना कि इंडिया में ठंडी हवाएं प्रवेश कर पाती है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पर्वतें बहुत ज्यादा छोटी है, छीर्ण है, ठीक है, उनकी लंबाई बहुत ज्यादा छोटी है, जिसकी वजह से हवाएं प्रवेश करती है, और प्रवेश करती है तो फिर ये हवा जब प्रवेश करती है तो बे ऑफ बंगाल से होके आती है। कहां से, बे ऑफ बंगाल से होके आती है, और जब ये बे ऑफ बंगाल से होके आती है, एंट्री मारती है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे कुछ मुझे बताना था बट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब वो हवाएं आती हैं तो यहाँ पे तो वर्षा नहीं करती है, कुछ रीजन है उसका बताऊंगा मैं, बट ये हवाएं सीधा यहाँ पे आती है तो कोरोमंडल तट को क्रॉस नहीं कर पाती है, और कोरोमंडल तट पे ही जब ये टकराती है तो अधिकतर वर्षा वहीं पे कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि मैंने आपको बताया था कि कोरोमंडल तट पे शीत में वर्षा क्यों होती है, तो विंटर में वर्षा इसीलिए कोरोमंडल पे होती है क्योंकि वो हवाएं जब नीचे की तरफ आती हैं, यहाँ पे टकराती हैं, तो अधिकतर नमी, और जब वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होते हुए आती हैं तब वो अधिकतर नमी अपने अंदर कवर कर लेती है, ह्यूमिडिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो इस तरफ आती है तो कोरोमंडल के तट से टकराने के बाद अधिकतर वर्षा वहां पे वो कर देती है। ठीक है, अब यहीं पे बर्फ यहाँ पे क्यों नहीं गिराती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ इसलिए नहीं गिराती क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब ज्यादा होता है, कम नहीं ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बर्फ वाटर में हो जाते हैं और यहाँ पे बूंदों के रूप में वर्षा करते हैं, यहाँ पे भी बूंदों के रूप में वर्षा इसीलिए करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, इंट्रोडक्शन, मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमको पढ़ना क्या क्या है, आपको ये चीजें समझ में आ गई रहेंगी। ठीक है, कि किस टाइप्स की वर्षा होती है इंडिया में, कब कब होते हैं, तो ये बात हो गई किसके, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम एक एक टॉपिक करके उसको क्लियर करेंगे कि ये हवा किस डायरेक्शन जाती है, क्यों जाती है, और उनका मकसद क्या होता है, और वर्षा कहाँ कहाँ पे वो करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे, पहले मैं इनकी बात करूंगा, फिर इनकी करूंगा, फिर इनकी, फिर इनकी, ये हवाएं किन किन शहरों में जाती है, कितनी वर्षा करते हैं, किधर वर्षा नहीं कर पाती है, राजस्थान नहीं बहती है और बहती है तो वर्षा क्यों नहीं करती है, ये सभी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इसको देखते रहिए एक दो बार वीडियो, और अगर आप देखोगे अगर नहीं समझा रहेगा, क्लाइमेट ये डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है, इन्हीं में इसी में से प्रश्न पूछ लेते हैं तो बच्चों को आता नहीं है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप इनको एक से दो बार देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन होगा कि लेक्चर में चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं कहाँ पहुंचा हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, मैंने कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट किया या न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो ये आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।